और अरविंद जी ने कह दिया कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। और आज भी जो है पहले से आपने कहना शुरू कर दिया कि गिरफ्तारी हो रही है, हर तरफ से खबर मिल रही है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पुलिस के सारे सूत्र बता रहे हैं, केंद्र सरकार के सारे सूत्र बता रहे हैं कि आज मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन हम जेल जाने से नहीं डरते। हम अगर हम गांधी जी के अनुयायी हैं तो हम भगत सिंह के भी अनुयायी हैं, हम जेल से नहीं डरते हैं। और आज अगर एक मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करेंगे तो 100 मनीष सिसोदिया खड़े होंगे देश के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए। इस के लोगों को ये कैसे समझाएंगे कि आप एंटी करप्शन के नाम पे आपका जन्म हुआ और करप्शन के आरोप में ही मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है और हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। लेकिन पिछले एक साल की जांच के बाद एक रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत भारतीय जनता पार्टी सामने नहीं रख रही है। एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की एक भी एजेंसी सामने नहीं रख पाई है। बीजेपी ये कह रही है कि अगर कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का है, जांच हो जाए। हम क्या डर रहे हैं, हम तो बिल्कुल लाव लश्कर के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर जा रहे हैं। हम तो जेल जाने से नहीं डरते, किसको डराएंगे ये। हम सत्य के साथ खड़े हैं, सत्य के साथ खड़े रहेंगे और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लाव लश्कर की बात की आतिशी ने, तो लाव लश्कर तो पूरा लेके चली है आम आदमी पार्टी।